ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत करते हैं हमारे यूपी लाइव 100 न्यूज पर। महेश बलस्ता जी आपका स्वागत करता हूं हमारे यूपी लाइव 100 न्यूज पर। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे आपको, जनपद बहराइच से समस्त पत्रकारों ने आंदोलन कर दोषी कोतवाल को निलंबित करने की मांग की है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जनपद बहराइच से समस्त पत्रकार आंदोलन कर दोषी कोतवाल को निलंबित करने की मांग की है। जी हां, जनपद बहराइच में घंटा घर के मैदान में बड़ी संख्या के तादाद में लोग एकत्रित हुए। संख्या आम लोगों की नहीं, राष्ट्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों की संख्या है। आप पत्रकार की इतनी बड़ी संख्या एकत्रित होने की क्या है रीजन, क्या है इनकी मांगे, ये जानेंगे। पहले एक नजर चलते हैं खबर के विस्तार की तरफ। प्रदेश हो या केंद्र सरकार, ये हमेशा अखबार व टीवी चैनलों के माध्यम से रिजोड़ा पीटते हैं कि पत्रकारों को धमकाने वालों या मारने वालों के खिलाफ 24 घंटे में जेल भेजकर 50,000 का जुर्माना भी सुनिश्चित किया गया है। परंतु ऐसा किया वास्तव में संभव है या नहीं, आज के दौर में देखा जाए तो पत्रकार का पूरा आस्तक खो चुका है। पुलिस प्रशासन हो या सरकार, ठेकेदार हो या स्मगलर, सभी लोगों का निशाना केवल पत्रकार ही है। कहीं पुलिस की तरफ से पत्रकार के ऊपर फर्जी मुकदमे पंजीकृत किए जाते हैं, लोगों के द्वारा उन्हें धमकियां दी जा रही हैं, कहीं जानमाल की धमकियां दी जा रही हैं, कहीं गला रेतकर हत्या कर दी जाती है। और इस पर ना तो पुलिस प्रशासन की कोई एक्शन ले पाती है और ना ही तो सरकार कोई कानून बनाती है, मात्र नाम के राष्ट्र के चौथे स्तंभ जोड़ा जाता है। दरअसल पर ऐसा संभव नहीं होता है। अब बात करते हैं एकत्रित लोगों की, क्या है रीजन और क्या है इनकी मांगे। जी, जनपद बहराइच के समस्त पत्रकारों ने समूह बनाकर पत्रकार को स्तंभित पुलिस अधीक्षक महोदय व जिला अधिकारी महोदय को पत्रकार बचाओ कानून बनाओ के प्रति ज्ञापन देते हुए एक हफ्ता पूर्व एनडीटीवी शरीफ सिद्दीकी सीनियर पत्रकार बहराइच के ऊपर साजिशन मुकदमा नगर कोतवाल द्वारा लगाए जाने पर नगर कोतवाल को निलंबित करने की मांग की है। बताया गया कि माननीय मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री पत्रकारों के हित में प्रति अखबार व टीवी चैनलों के माध्यम से लगातार पत्रकारों को धमकाने या साजिशन मुकदमे रचने के खिलाफ होने के बावजूद भी नगर कोतवाल द्वारा बिना किसी जांच को पुष्टि की एनडीटीवी सलीम सिद्दीकी की ऊपर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाता है, जिससे आक्रोशित पत्रकारों के समूह बनाकर संबंधित अधिकारियों माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय व जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपते हुए लंबित की मांग की है। और साथ साथ ये भी बताया कि यदि हमारी मांग 24 घंटे के अंदर पूरी नहीं की गई तो समस्त पत्रकार भूख हड़ताल करने को कहा है। और आपको ये भी बता दें कि इतने बड़े पत्रकार समूह होने के दौरान भी सीटीसीओ के सिवाय कोई और अधिकारी मिलना मुनासिब नहीं समझा, जबकि कप्तान साहब व जिलाधिकारी महोदय को भली बात याद था कि आज पत्रकारों को समूह पैदल मार्च करते हुए ज्ञापन सौंपेंगे। जानकारी के होने के बावजूद भी कप्तान महोदय व जिलाधिकारी महोदय मिलना मुनासिब नहीं समझते हैं, इससे तो आप अंदाजा लगा ही चुके होंगे कि जनपद बहराइच के कानून व्यवस्था की किस तरह से चरमराई हुई है। जब एक राष्ट्र के चौथे स्तंभ से मिलने के लिए समय नहीं है तो आम जनता का क्या होता होगा। देखिए पूरी रिपोर्ट प्रीतम सिंह के साथ, जिमान खान की रिपोर्ट। आज बहराइच में पत्रकारों ने पैदल मार्च निकालकर जमकर नगर कोतवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। बता दें कि घंटा घर से पैदल मार्च पत्रकारों ने निकाला, एसपी महोदय को ज्ञापन सौंपा, उसके बाद डीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपकर नगर कोतवाल को सस्पेंड करने की मांग की। वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ।
भैया जरा उस दिशा निर्देश का क्या पालन कोतवाल ने किया एफ आई आर दर्ज करते समय, और अगर नहीं किया तो उनके विरुद्ध प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जानी चाहिए और उसके अनुसार हम लोग की मांग ये है कि अगर वो स्टेशन अफसर इतना गैर जानकार है तो वो स्टेशन अफसर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के कारण ये भीड़ इसलिए नहीं आई है। ये पत्रकारों की जो पीड़ा है वो सिर्फ ये है कि जो वैधानिक स्थिति है उसका अनुपालन कोतवाल ने नहीं किया है। हम लोग बुद्धिजीवी तबके के लोग हैं, हम लोग ये कहते हैं अगर जांच में कोई आरोपी सही पाया जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर शासन ने आपको निर्देश दिया है कुछ करने के लिए कि आप एफ आई आर दर्ज करने से पहले जाँच करेंगे तो आपने क्यों नहीं किया, और अगर नहीं किया तो उस थानाध्यक्ष या इंस्पेक्टर या कोतवाल के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, इससे हम लोगों को अवगत है। और एक हफ्ता पहले भाई साहब इसके बारे में एक एप्लीकेशन मिले थे, ठीक सर, ऐसे और अगर इस पर कार्रवाई इस बार नहीं हुई तो हम लोग कलेक्टर साहब को ये बताएंगे और कप्तान साहब को बताएंगे। पहले एप्लीकेशन दी गई, उसी पे आप संज्ञान नहीं लिया, अगर हमें विवेचना पे आपको लगता है नहीं विवेचना तो उनसे मतलब नहीं है, उनको जब ये पता ही है कानून कायदा तो उनसे तो उनको हमारी मांग ये है कि ऐसे इंस्पेक्टर को तत्काल स्टेशन से हटाना है, नगर जैसे महत्वपूर्ण सर, इट्स फॉर यू। आपकी समस्या आपकी पीड़ा को द्वारा ग्रस्तों को इशारा किया सर, अगर आपको लेना है जो भी आप डीएम साहब के आवास के जरिए चलिए वहीं ज्ञापन दे रहे हैं आप, उसे ज्ञापन आप तो मैं क्या कराऊँ, हम लोग डीएम साहब वही वही ठीक है आपकी बात से सहमत जाना रोड क्या ज्ञापन लेने तो मैं यहाँ पे आया हूँ, चलो दे दो आप ज्ञापन लेने नहीं वहीं चलिए 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 वहीं चल